हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए मैं बात करूंगा आज फ्रेंड्स आपसे द्विपद प्रमेय के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं आपके सामने। तो देखिए, ढंग से समझिएगा, ढंग से देखिएगा। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपके सामने कोई भी टेस्ट होगा, SSR का हो, चाहे AA का हो, चाहे एक्स ग्रुप का, जहाँ तक NDA का हो या IIT के क्वेश्चन हो। तो गाइस, इतना भी बता सकता हूँ, आप इस तरीके से मैं जो बताऊँगा, आपके ट्रिक बताऊँगा, तो उस ट्रिक से आप करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा और सबसे बढ़िया होगा। आपके शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से देखना है, तो आपको एक मंजुल त्यागी की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, कोई भी ले लेना आप, मंजुल त्यागी की होनी चाहिए, राइटर वही हैं, तो कोई सा पब्लिकेशन ले लेना, सबसे बढ़िया होती हैं बुक्स उनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित पहले एक एक्सप्रेस कर रखा है आपके लिए कि अगर इस टाइप की टर्म होती है तो इसे इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, बस ये मैन होती है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैन आ याद हो, मैन याद हो जाएगा आपके लिए, ये हो गई। अब देखो, माइनस का साइन होता है अगर, तो देखिए ऑल्टरनेट हम क्या करते हैं, माइनस का साइन चलता रहता है, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, जब माइनस का साइन आ जाता है, अब माइनस क्यों आ जाता है, देखिए अगर यहाँ मैं कर देता हूँ पावर, देखो यहाँ एन हो रखा है, एक बार मान लेते हैं एन क्या है, सम संख्या है, तो जाहिर सी बात है अगर सम संख्या में से मान लेते हैं 20 है, सम में से एक संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। तो मतलब आप जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि ये सम होगा तो अगले वाली ये विषम होगी, फिर ये सम होगी अगले वाली विषम होगी, आप जानते हैं ये बात। जब जानते हैं तो आप इसी बात से समझ सकते हैं, सम संख्या अगर पावर में होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आती है, अगर वो पावर में विषम संख्या होती है तो माइनस की वैल्यू आती है। इसलिए अल्टरनेट इसमें वो चलते हैं, अल्टरनेट जो बोल सकते हैं, इसमें माइनस का साइन चलता है। चलिए अब देखो, कॉफिशियंट की बात करें तो कैसे सॉल्व किया जाता है कॉफिशियंट को, देखिए ये मेन फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्रमचय में। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है क्रमचय का, कॉम्बिनेशन और परमिटेशन आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, कॉम्बिनेशन में यही ट्रिक होती है। अब देखिए, द्विपद प्रमेय का व्यापक पद निकालना है तो इसके लिए ट्रिक होती है ये, अगर बोलता है वो आपसे कि मानना द्विपद प्रमेय का प्रसार में बोल रहा है कि व्यापक पद, मतलब ये पद पूछ रहा हो, तो ये पद पूछ रहा है तो आपको बता दूं गाइस, एक कम चलता है, एक कम कैसे चलता है, अगर देखिए आपसे पूछा जाता है सेकंड पद क्या होगा बाइनोमियल सीरीज में, तो सेकंड आप देख पाते होंगे तो इस तरीके से होता है सेकंड टर्म, ठीक है, सॉरी ये होता है वन, क्यों होती है वन, देखिए आपने देखा होगा पहले C0 होता है, फिर C1 होता है, फिर C2 होता है। अब देखिए वो सेकंड टर्म की बात करेंगे तो सेकंड टर्म कौन सी होगी, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, तो आप देख सकते हैं अगर उसने R पूछी होगी तो R-1 आएगी निकल के, जैसे जिसने यहाँ पूछी थी दूसरी टर्म क्या होगी, तो दूसरी टर्म कौन सी है, यहाँ 1 है, तो ऐसे देखिए यही फॉर्मूला है यहाँ पे, ये R+1 वाली टर्म पूछ रहा है, तो R+1 टर्म, तो जाहिर सी बात है R+1 पूछ रहा है तो मतलब R रहेगी जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखा हुआ, समझ पा रहे होंगे आप इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, देख सकते हैं आप नेक्स्ट दे रखा आपके लिए, इसके प्रसार में, अगर इसके प्रसार में आपसे डायरेक्टली पद पूछा है तो ये फॉर्मूला पुट करते हैं, आप इनको प्रसार को याद कर लीजिए, आप आराम से निकाल पाएंगे। देखिए ये टर्म्स आप याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, एक ही जगह वन कर दिया है और कुछ नहीं है, यहाँ एक ही जगह वन कर दिया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ही जगह वन कर दीजिए तो ये टर्म आएगी निकल के, यहाँ माइनस वाली टर्म देख लीजिए, ये आपको नॉर्मल सी बातें समझ आ गए होंगे अगर आपने फर्स्ट ढंग से समझ रखी है, जो बोलते हैं जो एन वाली समझ लीजिए बस, एन वाला ये टर्म समझ लीजिए प्लस वाली, ठीक है, आप सभी को फाइंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं, अब देखिए इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, देखिए गुणधर्म मतलब शॉर्ट ट्रिक्स, अगर पूछा जाता है आपके सामने कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन दे रखा है इस तरह का और बोल रखा है इसमें पदों की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कितनी टर्म्स होंगी, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर पावर होगी ना गाइस उसमें ए वन प्लस कर देंगे, बस वही होगी पावर की, मान लेते हैं एन की जगह 10 है, अगर लिखा होता है 1+x^10 तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी टर्म्स आएंगी, 11 आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रखा है उसने प्रत्येक पद में एक्स व ए के घातांकों का योग क्या होता है, एन होता है गाइज, आपने देखा होगा इस तरीके से, अगर देखो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होता था x^(n-2) और a^(2), तो इन दोनों का ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस का 2 दे रखा है यहाँ और क्या है +2, तो आप देख सकते हैं किसके इक्वल आया, n के इक्वल आया, तो वो यही कह रहा था गाइस कि आपका आंसर जो है देखो a और b के, सॉरी
एक्स व ए के घातांकों का योग क्या होता है, एन के इक्वल होगा, मतलब पावर में एन होगा तो एन के इक्वल होगा, मतलब जाहिर सी बात है जो ऊपर पावर होगी ना गाइस उसी के सम के इक्वल ही होगा। चलिए नेक्स्ट, उसने बोला प्रारंभ व अंतिम से एक समान दूरी पर पदों के द्विपद गुणांक समान होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने ब्रेक किया हो तो कभी इस तरीके का कोई टर्म लिखी हुई हो, बोल देते हैं अगर लिखा है एक्स प्लस वन प्लस एक्स और पावर लिखा हुआ 10, तो आपने देखा होगा सी जीरो होगा वही एन सी एन होगा, जो सी वन होगा वो सी एन और यहाँ होगा एन माइनस वन, मतलब जाहिर सी बात है ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, मतलब आपने ये पढ़े होंगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट उसने जो हमारे पास दो टर्म्स दे रखी हैं ये दे रखी हैं प्लस माइनस, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ प्लस दे रखा है यहाँ माइनस दे रखा है, तो उसने पूछेगा कितने पद होंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है इसके एक पॉजिटिव आ रहा था, सभी पॉजिटिव थे, इसका अल्टरनेट चल रहा था, मतलब इसका सी नॉट पॉजिटिव था, सी वन पॉजिटिव वाले के तो सब पॉजिटिव थे, लेकिन जब माइनस वाली थी टर्म तो वहाँ क्या था, ये पॉजिटिव था ये माइनस का था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरीके से था, तो जाहिर सी बात है देखो ये थ्री वाला वन वाला कट जाएंगे, तो आप देख सकते हैं आधे पद बचेंगे सिर्फ, ठीक है मतलब 10 होंगे तो 10 में से 5 बचेंगे, लेकिन आगे 2 कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि बाकी का जो बचे हुए हैं जैसे सी नॉट जो बचे होंगे वो क्या होंगे ऐड हो जाते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऐसे देखिए जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हो तो सब्ट्रैक्ट में उल्टे वाले बच जाते हैं, मतलब जो इवन वाले थे कट गए थे और ऑड वाले बच गए थे, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा इवन ऑड वाला। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि ये टर्म दे रखी हो आपके सामने ये लिखा हुआ है, अगर दे रखा है द्विपद प्रमेय के प्रसार में, इसके प्रसार में मतलब इसे एक्सप्रेस करते हैं तो अंतिम से आरवां और प्रारंभ से इतने के इक्वल होगा, अगर आपसे पूछा था अंतिम से आरवां पद पूछा है तो प्रारंभ से इतने के इक्वल होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है गाइस। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए गाइस अब एक एग्जांपल ले लीजिए और समझ लीजिए, देखिए आपके सामने दे रखा है इफ़ ये करके दे रखा है, इसके प्रसार में चौथा पद, मतलब इसका पूछा टर्म्स फोर्थ टर्म्स पूछ रहा है, ये फोर्थ टर्म बोल रखा है उसने इसके इक्वल है, तो उसने पूछा है ए और एन की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस देखिए समझिएगा फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो फोर्थ टर्म के लिए जाहिर सी बात है कम लेना पड़ता है, क्योंकि हमने आपके लिए बताया था कि जब ये पूछ रहा था ये वाला टर्म पूछ रहा था तो हमने क्या किया था एन सी आर किया था, मतलब ये प्लस वन पूछा है लेकिन हमने ये आर लिया मतलब एक कम लिया है। ठीक है तो यही हम इसमें टर्म लगाएंगे, ठीक है तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे पावर करेंगे इसकी एन माइनस थ्री और इसकी पावर आएगी पावर थ्री, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं अगर ये गाइज ये माइनस का माइनस नहीं लगा हुआ है आप इसे माइनस समझें, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है इसे देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ है नहीं माइनस नहीं है ये सिर्फ ये लिखा हुआ है। ठीक है तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एन सी थ्री क्योंकि उसने चौथा पूछा था, अब ए की पावर तो आएगा एन माइनस थ्री, अब देखो एक्स की पावर भी एन माइनस थ्री यहाँ था एन माइनस थ्री और एक यहाँ था एन अपॉन थ्री, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो आप जानते हैं डिवाइड में क्या होती है इनकी पावर्स क्या होती हैं घट जाती हैं, देखिए ये आ गई पावर और इक्वल में क्या दे रखा है उसने इसके इक्वल है। ठीक है गाइस इतना दे रखा है, अब उसने पूछा ए और एन की वैल्यू, मतलब जाहिर सी बात है ए और एन की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब इसमें क्या होगा एक्स इसमें क्या लेना पड़ेगा एक्स तो हमें वन के इक्वल लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स के बारे में उसने कुछ बात नहीं की तो एक्स को वन के इक्वल लेंगे और जाहिर सी बात जब एक्स वन कब आ सकता है, देखियो मैं एक्स के ले रहा हूँ एक्स को इक्वल ले रहा हूँ ये तो वन कब आ सकता है, ये वन तभी आ सकता है फ्रेंड्स जब एक्स की वैल्यू एक्स की पावर जीरो होगी, तो जब एक्स की वैल्यू जी एक्स की पावर में जीरो होगी तभी इसका मान वन होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या का ऊपर में अगर पावर लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है वन के इक्वल होता है गाइस। ठीक है तो देख सकते हैं बेस समान है तो पावर्स को इक्वलाइज कर देंगे, तो पावर को इक्वलाइज करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ से एन की वैल्यू निकलेगी सिक्स, तो एन की वैल्यू सिक्स आ गई, ए की वैल्यू फाइंड करनी है अब तो एन की वैल्यू सिक्स ऊपर पुट कर दी थ्री, ए की पावर क्या होगी सिक्स माइनस थ्री और अपॉन में क्या इक्वल में क्या होगा ये वैल्यू थी। ठीक है तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे अब हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करना जानते हैं अच्छी तरह से, इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू आएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा ए की वैल्यू निकल जाएगी वन अपॉन टू। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ सॉल्व करके भी दिखा रखा है इसे, परंतु चौथा पद है तो ये आ गया चौथा पद हमने इक्वल कर दिया, आप देखो यहाँ देख सकते हैं ये इक्वलाइज क्या करेगा ये इक्वलाइज करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ ये इक्वल जीरो को रख दिया, क्यों रख दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर में जीरो लेके चले थे हम,
क्योंकि उसने एक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एक्स टर्म तो यहाँ कम से कम होती, चलो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो दे रखा है ए जो है ये तो कांस्टेंट है, जब ए कांस्टेंट है इस जगह पे और सी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही आएगी तो जाहिर सी बात है जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल कहाँ गायब हो गया, तो वेरिएबल तभी गायब हो सकता है जब वेरिएबल की वैल्यू वन होगी, क्योंकि वेरिएबल तभी तक गायब नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू वन, सॉरी इसकी वैल्यू वन नहीं होगी, लेकिन वन कैसे हो सकती है जब एक्स की पावर जीरो होगी तभी ये वन हो सकता था, ठीक है। तो हमने इक्वलाइज करने के बाद ये निकल गया, अब हमने यहाँ पुट कर दिया है, देख सकते हैं जब पुट किया तो हमारी वैल्यू आई जो इसके ए क्यू इक्वल टू आया 1/8, तो 1/8 आया तो क्यू हटाया तो हमने 1 की वैल्यू आई 1/2। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, इसने पूछा स्वतंत्र पद, एक्स के स्वतंत्र पद के बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन गाइज आपको बता दूं एनडीए में भी कई बार आ रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसने वो रखा है इसका एक्स का स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद से मतलब है यहाँ पे कि ये कब स्वतंत्र पद आ सकता है, मतलब जहाँ x नहीं आए तो एक कंडीशन पे आ सकता है 2nCn, मतलब अगर पावर कर दी जाए n और इसकी पावर भी क्या होगी n, तो ये आपस में कट जाएगा तो स्वतंत्र पद सिर्फ ये बचेगा, मतलब बोल सकते हैं आपके पास स्वतंत्र पद जो आएगा 2nCn ये है। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए आपको सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे हो रखा है, देखिए उसने स्वतंत्र पद पूछा था तो r की वैल्यू n के इक्वल आएगी, क्योंकि आपको बता दूं क्योंकि अभी हमने बताया था कि 2nCn लिया था हमने, ठीक है, क्योंकि तभी ये कंडीशन ही ऐसी आएगी कि पावर इक्वल हो जाएंगे, एक्स की पावर हमें इक्वल करनी है तभी स्वतंत्र पद फाइंड होगा, तो एक्स की पावर इसी कंडीशन में इक्वल हो सकती है तो जिससे एक्स एक्स कट जाए, इसलिए हमने पावर को इक्वल किया है गाइस। तो आप देख सकते हैं आर किसके इक्वल आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या होता था सी आर ए होता था ना, तो आर इक्वल टू आया एन के, तो देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ पा रहे होंगे, इसमें देखिए पुट कर दिया हमने, तो नीचे वाली टर्म जो दे रखी है टी आर प्लस वन, तो आप देख सकते हैं ये इसके इक्वल है, तो टर्म निकालनी है, हम इसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं इसे फैक्टोरियल को ब्रेक करना, फैक्टोरियल को ब्रेक किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, देखिए आपके सामने लिखी हुई है गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे उसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये बनती है, ये वाली टर्म बनती है, क्यों, अब देखिए क्यों बन गई हमारे पास, ये हमारे पास जो आ रहे थे यहाँ पे वैल्यू आ रही थी एक एन हमारे यहाँ से कट गई, आप इसे डायरेक्टली याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्विपद प्रमेय के मध्यपद पूछ रहा हो, तो मध्यपद कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, मध्यपद निकलेगा गाइस ये आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसका मध्यपद पूछा है तो एन अपॉन टू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर गाइस ये विषम और सम की बात करे तो अलग होगा, देखिए अगर बात कर रहा है, देखो लिखा हुआ आपके सामने, समझिएगा इसको, यदि n एक सम संख्या है, अगर जो पावर है जो उस पावर लिखी हुई है वो एक सम संख्या है, ठीक है, तो उसका मध्य पद कौन सा होगा, n अपॉन टू वा पद, मतलब r की वैल्यू n अपॉन टू पुट कर दीजिए, वो हमारे पास हो जाएगा मध्य पद, ठीक है। मध्य पद मतलब देखिए अगर बोल दीजिए सी एन, मतलब r की वैल्यू में क्या बोला था n अपॉन टू, मतलब ये 10 दे रखा तो पाँचवें नंबर पर जो होगा ना गाइस, या 5, ये 10 दे रखी है, अगर ये 5 वाली पुट कर दूंगा यहाँ, मतलब 10C5 ये मध्यपद होगा गाइस, ठीक है। लेकिन अगर विषम संख्या होगी तो क्या करेंगे, तो विषम संख्या में क्या करेंगे, देखिए अगर 11 होता है ऊपर, ठीक है, तो आप देखिए 11 होगा तो हम ज़्यादा करके देखते हैं, चलो सो विषम संख्या कोई अन्य लेके चलते हैं दूसरी, जैसे 5 ले लिया हमने तो 5 लेके चलते हैं, देखिए इसकी कितनी टर्म बनेंगी और लास्ट बनेगी 5, तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 टर्म बनी है। अब बताना आपको मध्य पद कौन सा होगा, तो मध्य आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन देखिए इधर से देखेंगे तो मध्य कौन सा आएगा ये, अगर इधर से देखते हैं तो मध्य कौन सा आएगा ये, तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा मध्य पद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 लेके चलता, ऊपर पावर में 4 होता तो क्या होता, 1, 2, 3 और 4, तो देखिए कितनी टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो जाहिर सी बात है इसका तो मध्य पद आराम से निकाल सकते हैं, देख समझ पा रहे होंगे आप कि 2, 4 का हमने क्या कर दिया, 4 का हाफ कर दिया, तो 4 का हाफ कौन सा होता है C2, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस, देखिए अगर इसे पूछा मध्य पद, तो देखिए इस टाइप की कोई कंडीशन दे रखी है, अगर ये बन रही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए पहले, ये बन गया, आप देख सकते हैं 2 का मल्टीपल है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, तो आप जानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करते वो क्या बन जाएगी, एक सम संख्या बन जाएगी, चाहे वो विषम है चाहे सम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है n की वैल्यू, यहाँ बोल दिया जाए कि n की वैल्यू विषम है या सम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगी, एक सम संख्या ही होगी, ठीक है। जब सम संख्या होगी तो आप जान सकते हैं इसका मध्य पद निकालना आसान होगा, क्यों, सम संख्या क्या जाएगी ऊपर, 2n आएगी पावर में, देखो यहाँ आ रखी है ये
टू एन डिवाइड कर दो टू से, तो जो nth नंबर पे होगा मतलब इसका अगर मध्य पद निकालेंगे तो ये होगा इसका मध्य पद। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए गाइस, आपको एक और हिंट बता दूँ, एक और आपको एक कंडीशन बता दूँ। देखिए अगर इस टाइप का दे रखा है आपके सामने, इसमें पूछ रखा है आपसे पदों की संख्या क्या होगी, मतलब टर्म्स कितनी बनेंगी, तो गाइस जाहिर सी बात है इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ वेरिएबल अलग होता, यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकता। जब परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकता तो इसके लिए टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके सामने गाइस, तो मैं बताता हूँ आपके लिए। वो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन में होता है गाइस टू। ये इससे टर्म्स निकल जाती हैं, कितनी टर्म्स इसकी बनेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी गाइस, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल इक्वल है तो गाइस आपको ये बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो चलिए अब इस बता रहा था मैं आपके लिए महत्तम मान की कंडीशन। देखिए अगर ये दे रखा है, इसमें पूछ रखा है आपका महत्तम मान क्या होगा, आपके सामने बोल दिया उसने कि किसी भी इक्वेशन दे रखी कोई इस टाइप का एक्सपेंशन में, अगर बोल दिया जाए कि वन प्लस एक्स की पावर टेन और बोल दिया जाए इसके एक्सपेंशन में पाँचवा और छठवा, ठीक है। एक तरह से कंडीशन ये बन रही है, पाँचवा और छठवा क्रम से ये पद है ये पद है, तब इसका महत्तम मान क्या होगा, महत्तम पद क्या होगा। तो महत्तम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गाइस, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये कंडीशन भूल जाइए आप, सिर्फ डायरेक्टली ये कंडीशन लगाइए, ठीक है। तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, महत्तम मान जो पूछा है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे आप, याद रखिए मेन कंडीशन देखो, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन देखी जाए तो डायरेक्टली आप ये पुट करिए, आपका आंसर फाइंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइज, इस कंडीशन को मैं आगे लेके चलूँगा, इस वाली कंडीशन को जो आपके सामने लिखी हुई है, ये वाली कंडीशन को लेके आगे चलूँगा, सॉल्व करूँगा। देखिए एक तो उसने बोला था हमसे टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू क्या बोला था, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वन बोला था, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी, वो ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब तो इसको हमने पुट कर दिया वन के इक्वल, देखिए आपके सामने पुट कर रखा है, ये कर रखा है आपके सामने, पुट हो रखा है, ठीक है। तो देखिए आगे से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो आर की वैल्यू ये निकलेगी ऐसे, तो आर की ही वैल्यू इससे फाइंड की जाती है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है आपके सामने, बोल रखा है इसका महत्तम पद ज्ञात करना है, इसके प्रसार में संख्यात्मक रूप में महत्तम पद का मान बताइए। महत्तम पद कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए समझिएगा। सबसे पहले इसने क्या किया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसने क्या किया, टू कॉमन लिया है यहाँ से, ये कॉमन ले लिया, तो टू कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से ये टर्म देखिए यहाँ पे, ये बन रही है टर्म यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप, अगर तो कॉमन नहीं लेते हैं आप, तो कॉमन नहीं ले रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है ये फॉर्म लिखी हुई, ये लिखी हुई, इसके प्रसार बोल रहा है, तो मतलब उसे महत्तम पद पूछने के लिए कंडीशन होती थी, महत्तम पद के लिए कंडीशन होती है जैसे आपने उसने बोला था हमसे। अभी देखो इसे सॉल्व करके देख रहा हूँ मैं, सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और ये उसने बोली थी ग्रेटर देन इक्वल टू वन के इक्वल, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू वन के इक्वल, तो महत्तम पद हमारा देखिए फाइंड होगा। हमने देखो इस कंडीशन से लेके अब ये पुट कर दिया हमने, क्योंकि इसका मान हमने निकाला, ये निकला था, पुट किया तो हमारे पास ये आई, तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है निकल के, इस तरीके से निकल के आ रही है, तो ये होगी आर की वैल्यू गाइस, ठीक है। तो महत्तम मान पूछ रहा है, आर का महत्तम मान क्या होगा, तो सिक्स होगा गाइस, सिक्स, क्योंकि हम इसमें अबाउट लेके चलते हैं, मतलब इसमें लगभग लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे उसने क्या बोल रखा है देखिए समझिएगा। जब आपके सामने महत्तम पद महत्तम मान निकल गया, तो महत्तम पद पूछ रहा था, महत्तम पद देखिए जहाँ जहाँ आर हमने लिया था वहाँ पुट कर दीजिए, सिक्स पुट कर दीजिए, आपके सामने आंसर फाइंड हो जाएगा, देखिए जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, आपके सामने देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, कुछ कॉफिशियंट की प्रॉपर्टी दे रखी हैं, आप इनको ढंग से समझिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कॉफिशियंट। देखिए अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, देखिए ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, पहला जो पहली दे रखी है, इफ़ एन सी आर इक्वल टू दे रखा है एन सी एस, तब आर और एस क्या होंगे, इक्वल होंगे, या इनका दोनों का सम एन के इक्वल होगा, ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए बोल दिया जाए, अगर यहाँ बोला होता एक्स प्लस वन यहाँ पर, और यहाँ बोला होता आपके सामने सेवन, क्या बोला होता सेवन, तो एन की वैल्यू फाइंड कर सकते थे आप, कैसे होती थी, मैंने बोला था देखिए इन दोनों का सम क्या होगा, एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी होगी आपके सामने, जैसे मान लीजिए टेन दे रखी है एन की वैल्यू, तो मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे,
तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए ये हो गया एट, एट जाके उधर जाएगा तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बचेगा, तो एक्स की वैल्यू निकल के आई टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू आई वैल्यू, तो आप देख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू टू आई और यहाँ से कितनी निकली, यहाँ कितनी देर रखी थी हमने, क्या मान के चले थे सेवन, तो देख सकते हैं जो कोफिशियंट सेकंड वन मतलब कोफिशियंट टू का जो वैल्यू होगी वही कोफिशियंट सेवन की वैल्यू होगी गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उसने कंडीशन दे रखी है, अगली कंडीशन अगर इस तरीके से ऐड करवा रहा है सिर्फ कोफिशियंट कोफिशियंट को, तो इसकी वैल्यू क्या होती है टू की पावर एन के इक्वल होती है। अब देखिए कैसे, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा वन प्लस एक्स की पावर एन का, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, एन सी नॉट, ठीक है, एन सी वन का वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स की पावर स्क्वायर, इस तरीके से थे, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा। तो देखिए सो ऑन ऐसे ही रहता है हमारे पास वैल्यू, तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह वन पुट कर देता हूँ, तो वन पुट कर दीजिए, इसकी जगह वन पुट किया हमने, तो यहाँ क्या बनेगा एन टू का पावर एन, टू की पावर एन बन गया, और जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है हर जगह वन पुट कर देंगे तो यहाँ भी वन हो जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा, तो हमारे पास देख सकते हैं आप ये कंडीशन बन के आ रही होगी, ये वाली कंडीशन बनेगी पूरी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी समझ में आ चुका होगा कैसे इसकी वैल्यू टू की पावर एन कैसे होती है, इसी वजह से इसकी पावर टू की पावर एन होती है गाइस। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो थर्ड कंडीशन दे रखी है, थर्ड कंडीशन बोल रहा है देखिए सम संख्या दे रखी है, सम या विषम कोई भी दे रखी हो, या सम की बात कर रहा हो या वो विषम की बात कर रहा हो, देखिए इन दोनों का मान, सम वाली टर्म्स का मान और विषम वाली टर्म्स का मान दोनों का इक्वल होगा। जैसे अगर लिखा हुआ है सी नॉट, सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स, तो देखिए ये सम है, ये सम है और ये सम है, ये सम है, इन सब का सम, तो ये को ले लेते हैं मतलब इक्वल सम इक्वल होनी चाहिए हमारे पास टर्म्स, हाँ देखिए सेवन, तो सम वाली टर्म्स का सम विषम वाली सभी टर्म्स के इक्वल होगा, ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखिएगा। तो देखिए जब इक्वल होगा आप जानते हैं ये कंडीशन कब बनती है, मैंने आपके लिए जब जस्ट स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, कैसे बताया था देखिए, ऐसे बताया था कि अगर लिखा हुआ है आपके सामने एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स की पावर, तो हम बता रहे थे आपके लिए क्या आएगा, टू कॉमन आ रहा था बाहर और क्या बच रहा था यहाँ सी नॉट प्लस सी टू का पावर टू प्लस सी थ्री की पावर सॉरी सी फोर की पावर सी फोर दे रखा था सी फोर और यहाँ एक्स दे रखा था, एक्स की पावर क्या थी यहाँ होगी फोर, ठीक है, और एन यहाँ सबके ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से बनेगी, ऐसी तो बन रही थी। जब माइनस कर रहे थे तो यहाँ जो जो सम संख्या इनकी जगह क्या था, विषम सम विषम नंबर थे, मतलब सी वन था सी टू था वो सी थ्री था और सी फाइव था, मतलब विषम बन रहे थे जब यहाँ माइनस कर रहे थे इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपने कंडीशन स्टार्टिंग में जस्ट हमने बताई थी आपके लिए, इतनी आपको पता होगी। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सभी जो जहाँ एक्स दे रखा है सभी एक्स की जगह वन पुट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ वन पुट करूँगा तो क्या बनेगा टू की पावर एन माइनस सॉरी प्लस, यहाँ क्या बनेगा टू की पावर एन, ठीक है, टू की पावर एन बनेगा नहीं बनेगा, देखिए नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा गाइस, देखिए समझिएगा इस बात को, अगर मैं एक्स की जगह वन पुट कर रहा हूँ गाइस तो यहाँ समस्या ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा गाइस, तो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास टू की पावर एन के इक्वल ही आएगा, मतलब क्या आएगा टू की पावर एन माइनस सॉरी प्लस जीरो, या माइनस कर लो जीरो, मैंने बताया था आपके लिए माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, आना जीरो ही है उसका मान, क्योंकि देखिए हमने कंडीशन क्या बताई थी आपके लिए वन प्लस और वन माइनस ये बताई थी, अगर यहाँ माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो इसका मान तो जीरो ही रहना है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल में बात करेंगे फिर इसके इक्वल में क्या आएगा टू की पावर एन इक्वल टू आएगा गाइस, जब हम ऐड करेंगे तो टू कॉमन आएगा टू सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी थ्री सॉरी सी फोर सम आएगा, अगर माइनस कर रखा तो विषम वाली संख्या आएंगी, और जब टू को इधर पहुँचाएंगे तो आप जानते हैं जो डिवाइड में जाएगा तो माइनस पावर में आ जाएगी वन, तो आप समझ पा रहे होंगे इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन जो आई है निकल के प्रॉपर्टी वन आई है गाइस माइनस में, ठीक है। तो ऐसी सेकंड कंडीशन देख लीजिए, फोर्थ कंडीशन जो दे रखी है आपके सामने, इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए जस्ट बताया अगर इस तरीके की कंडीशन होती है इसको कैसे ब्रेक कर रहे थे, जीरो माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स की पावर क्यू, ठीक है, ऐसी तरीके से था। अब देखो x की जगह वन पुट करो, जो x की जगह वन पुट करेंगे, देखिए यहाँ वन पुट करिए x की जगह, तो वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशन आएगी जो आपके सामने फोर्थ टर्म लिखी हुई है, फोर्थ कंडीशन लिखी हुई है, यही कंडीशन आएगी इक्वल में जीरो आया,
लेकिन अगर इसी जगह पॉजिटिव होता तो 2 की पावर n होता। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इस तरीके से आपसे रेशियो पूछ रहा हो तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर पिछली वाली जैसी C5 और C6 का इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके, इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन और देख लीजिए, आगे कंडीशन लिखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, चलिए और चलते हैं आगे। तो देखिए गाइस, जैसे आप इस कंडीशन को देख लीजिए यहाँ पे, तो सब कंडीशन को देख पा रहे होंगे। आगे पावर में क्या है, पावर में n आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, लेकिन इनटू में क्या है, n है। नेक्स्ट देखिएगा 0, सभी कंडीशन को आप याद कर लीजिएगा। सभी कंडीशन, इस कंडीशंस के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपके लिए, देख लीजिए समझ लीजिए। देखिए प्रोडक्ट दे रखा है इनका, ठीक है, तो आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, डायरेक्टली आप आंसर फाइंड कर आंसर दे सकते हैं। अब देखिए आपके सामने बोल रखा है ये, अगर बोल दिया जाए गुणांकों के योग क्या होगा, इसके गुणांकों का योग क्या होगा, तो देखिए पहले आप ये देखिए वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके उसने बोला इसके गुणांकों का योग इसके प्रसार के गुणांकों का योग के बराबर होगा, मतलब इसके गुणांकों का सम इसके गुणांकों के सम के इक्वल होगा, ये बोल रहा है। तो यही कंडीशन हमने दोनों लेके चले हैं। देखिए उसने जब बोला तो पहले इक्वलाइज किया, हमने दोनों को इक्वलाइज किया, क्योंकि आप जानते हैं पावर में क्या 35 है। हमने देखिए यहाँ देखिए इसका सम इसके इक्वल बोला था उसने, तो एक्स और वाई इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया। तो देख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 1 पुट की और वाई की वैल्यू 1 पुट की, तो देख सकते हैं दोनों क्या बनेंगी, इसी टाइप की बनेंगी। लेकिन अब दोनों को इक्वल बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल बनाने के लिए माइनस का कॉमन लिया हमने, ये ले लिया हमने कॉमन। अब हम क्या करेंगे, जब हम इन्हें एक साइड लेके आएंगे दोनों को, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 कब हो सकता है गाइस, ये देखिए 0, अब पावर जो 35 हट जाएगा, 2 भी 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया आपके सामने 1। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए गाइस नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने आपके लिए बताया था कि अगर इसको ब्रेक कर रहे थे तो C1 में कर रहे थे, मतलब C0 C1 इस तरीके से कर रहे थे। यहाँ देखिए इसे एक्सप्रेस कर दिया, मतलब सी को भी एक्सप्रेस करके दिखा रखा है, सी को इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखा रखा है, ठीक है। जब आप जानते हैं C0 C1, तो C1 करते तो हमारे पास ये वैल्यू आती है n माइनस 2 करेंगे हमारे पास, अगर सेकंड टर्म निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वाली सेकंड वैल्यू, तो उसने c को ब्रेक कर दिया है आगे। तो देख लीजिए फॉर्मूले वही हैं जो आपके लिए बताया था, पावर अगर माइनस का माइनस में पावर दे रखे तो माइनस में पावर दे रखे तो देखिए इस तरीके से ये हो जाता है। लेकिन एक बात देख लीजिए यहाँ पे, माइनस और प्लस से क्या फ़र्क पड़ा है हमारे ऊपर। देखिए जब हम प्लस के लेके चल रहे थे पावर, तो देखिए यहाँ पे टर्म देखिए ये नेगेटिव हो रहा था, लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ नेगेटिव में पावर है तो यहाँ प्लस हो रखा है, इसका याद रखना है आपको। अगर ये पॉजिटिव होती यहाँ पे वैल्यू, माइनस की जगह प्लस की एन होती, तो यहाँ सब में माइनस होता, लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस हो गया है तो हर जगह क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस हो रखा है तो हर जगह प्लस का साइन लग जाएगा। देख लीजिए आप, देखिए दोनों चीज़ माइनस आ जाएगी तो चलेंगी पॉजिटिव, लेकिन चलेंगी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ जो देखेंगे हम वो प्लस में ही है यहाँ गाइस, ठीक है। अब देखिए मेन कंडीशन देख लीजिए, मेन कंडीशन देखिए, पावर अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है, तो देखिए प्लस की जगह माइनस हो रखा है, इस जगह ये हो रखा, और हर जगह माइनस ही आता जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप। देखिए हर जगह माइनस है, लेकिन अगर पॉजिटिव में कर दी हमने यहाँ, मतलब यहाँ माइनस में कर दी, माइनस का एन कर दी, तो हर जगह जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस का 1 लिखा हुआ है ना आपके सामने, कि एन माइनस 1 एन माइनस 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हर जगह क्या हो जाएगा, हर जगह एन प्लस 1 एन प्लस 2 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का बहुत याद बहुत रोल होता है इसमें, बहुत इसको समझना होता है कंडीशन को। देख लीजिए ये माइनस वाला दे रखा है, 1 पुट कर दिया, इनको आप समझ पाएंगे, बस स्टार्टिंग वाली याद रखिए, ये वाली कंडीशन जो दे रखी है आपके सामने, ये वाली कंडीशन, बाकी का तो आप आराम से फाइंड कर पाएंगे। देखिए अगर एग्जांपल की बात करें इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अगर ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए आपको दिखा दें सॉल्व करके। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ गाइस, हमने क्या किया पलट दिया दोनों को, जब दोनों को रेसिप्रोकल किया तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव जो पावर है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो नेगेटिव पावर नेगेटिव जो हो जाएगी पावर, तो हमने आपको बताया था किस तरीके से आता है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वही कंडीशन लगाई है जो मैं बता रहा था, n इंटू एन प्लस 1। क्यों लगाई प्लस 1 वाली, क्योंकि ऊपर देखिए पॉजिटिव जो पावर है इसकी क्या है, नेगेटिव में है, यहाँ भी नेगेटिव में पावर है इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, अगर आपके लिए बहुपद दे रखें, अगर सम पूछ रहा है इनका, इन सब का सम क्या होगा, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, खासकर ये IITs वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके मतलब का तो नहीं है खैर, लेकिन बाई चांस अगर आता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है पदों के इसके प्रसार में पदों की संख्या, अगर देखिए मैंने क्या बताया था, जब वेरिएबल अगर इक्वल होते
तो पहले हम क्या बनाते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वेरिएबल इक्वल नहीं है, जो पावर दे रखी गाइज ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एन प्लस वन और एन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू कर देंगे, तो हमारे पदों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए दोस्तों इसमें, अब देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें देखिए यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल दोनों इक्वल हैं गाइस, देखिए वेरिएबल इक्वल है, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, मतलब एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ये कैसे भी करके, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास ऊपर पावर क्या आ जाएगी, टू एन हो जाएगी ऊपर, और नीचे अंदर जो भी हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी कुछ भी रह जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास। तो इस ऐसे पूछ रखा है गुणांकों का योग क्या होगा, तो देखिए इसके गुणांक जो कॉफिशेंट दे रखे हैं, उन कॉफिशेंटों को सम करेंगे, उसकी पावर जो अगर दे रखा है टू, तो इन सबका पावर टू कर देंगे, जो पावर दे रखी हो वो कर देंगे, और आप आराम से सम निकाल देंगे गाइस। ठीक है, कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन है और बहुत ही परफेक्ट है, और बहुत ही जल्दी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो देखिए गाइस नेक्स्ट लास्ट कंडीशन दे रखी है आपके सामने, ये कंडीशन दे रखी हो, तो इसके प्रसार में अगर पूछ रहा हो एन वन एन टू इस तरीके से दे रखा, तो इसका गुणांक पूछा हो, मतलब आपके सामने बोल दिया जाए कि अगर इसका प्रसार कर रहे हैं, इसे ब्रेक कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस करेंगे इसे, तो आप जाहिर सी बात है अगर यहाँ तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे सी यहाँ तो एन रहेगा लेकिन यहाँ कुछ रहेगा, तो इसके बाद ये भी आएंगे हमारे पास, एक्स आएगी, वाई आएगी, जेड आएगी, तीनों आएंगी, एक्स वाई जेड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों दे रखे हैं, तो जब आएंगे तो उसने पूछा हो अगर गुणांक पूछा है इन तीनों टर्म्स का, तो गुणांक निकाला ऐसे निकलता है इस तरीके से। माना मान के चलो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो ए बी सी दे रखे हो, पावर दे रखी है टेन, ठीक है, और टेन को इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है एन वन एन टू एन थ्री, मतलब टेन टेन को ब्रेक कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे हम निकाल रहे थे, जैसे एन प्लस क्या वो कर रहे थे, जैसे हम आपके सामने लिखा हुआ था इस तरीके की कंडीशन थी, तो हम क्या कर रहे थे, एक्स की पावर एन माइनस थ्री और ए की पावर थ्री, इस तरीके से कर रहे थे, इन दोनों का सम क्या होता है, एन के इक्वल होता है, तो ऐसे ही यहाँ है, तो इन तीनों की पावर्स का सम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके गुणांक निकालना, तो गुणांक के लिए कंडीशन होती है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट एक और आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है, इसके प्रसार में व्यापक पद, अब पूछ रखा है कि इस तरीके से किसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यही कंडीशन लगाई या नहीं लगाई, यही कंडीशन लगी हुई है, यही कंडीशन देखिए यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।